हेलो गाइस, वेलकम टू देव 2.0। मेरा नाम है देव, मैं एक रैपर और बीटबॉक्सर हूँ। डेब्यू के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यार, जो लोग नए हो बता दूँ, डेब्यू हमारे चैनल की वो सीरीज है जिसमें हम नए और पुराने हिप हॉप सॉन्ग्स जो आप लोग रिकमेंड करते हो, जो नए आए होते हैं उनको सुनते हैं, रिएक्शन देते हैं, एंड में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे गाना पर्सनली कैसा लगा। और दूसरी चीज, एज अ रैपर्स पर्सपेक्टिव में बार्स को एनालाइज करता हूँ और जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको क्या चीज सीखनी चाहिए इस वीडियो से, या क्या चीज हमारे इस आर्टिस्ट ने स्पेशल किया वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। So, अगर आप लोगों को रिएक्शन वीडियोस पसंद है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। 1.5K का टारगेट में रखा हुआ है मार्च के एंड तक। यार फटाफट हिट कर लेते हैं। आज हम जो गाने पे रिएक्शन देने वाले हैं उस गाने का नाम है तबाही। ये गाना है बादशाह का, लिखा हुआ तमन्ना, रेट्रो पांडा पार्ट 1 का आई थिंक सेकंड गाना। ये जुगनू आ चुका है और अभी ये तबाही। सो देखते हैं क्या कुछ है गाने में। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। Let's just go. 2, 1. छुले तू तो होती तबाही। कॉमर्शियल वाइब आ रही है। बॉलीवुड पानी से ज्यादा प्यास है तेरी, हालत क्या कर दी तूने मेरी। गाने के बाद आई एम डैम श्योर कि चैन के फिर से बीच में फांदेगा और बोलेगा मॉडल्स 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 मॉरल पुलिसिंग। हिट है भाई वीडियो आके भर ले मुझको बाहों में, सांसें निकल ना जाए मेरी, दिल रूठा मेरी, मैं पूता पुराने जमाने के बहुत सारे गाने ऐसे जिसमें ऐसी बीट्स मैंने सुनी है। सो या इट्स सर्विंग समथिंग दैट राइट। और ये गाना भी भाई कॉमर्शियल गाना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अंधा पैसा फूका है भाई ने। हो जाऊं पागल झूले तू तो होती तबाही, आंखों में कैसी कसक है मुझको बस तेरी सनक है, परवाने भी देते गवाही, झूले तू तो होती तबाही। जैसे जुगनू का ट्रेंड चला था ना, वो जो वो भाई, इसका भी मेरे को लग रहा है ट्रेंड चलने वाला है, क्योंकि जो इसकी भी बीट है ना, जो बीट ड्रॉप हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक कैची बीट है और ग्रूवी बीट है, डांस करने टाइप बीट है। इस पर काफ़ी सारी रील्स बनने लायक है, काफ़ी सारे डांस करने लायक चीज़ है ये। सो या ऑब्वियसली जैसा जुगनू था वैसा ये भी। नॉट सेइंग दोनों गाने सेम है, बट या दोनों कमर्शियल नंबर है और दोनों ही खतरनाक। जो भी करना चाहती है कर ले, दुनिया मरती फिरती है हम पे, तू भी थोड़ा थोड़ा तो मर ले। उसका मन नहीं है, नहीं है उसका मन, क्यों मरे हो सनम, अब निकले है दम, ये तेरे करम, मरने से बस इतना सा दूर नहीं, चांद और सितारे चेहरे के आगे तुम्हारे, तुझसे दूर रह के भलाई, झूले तू तो होती तबाही, सर पे बस दे। यार ना, मेरे को लिटरली मेरे को एक स्टोरी याद आ गई जो हमारे लाइक उन्होंने डाली थी, मुर्शद हसन अरशद करके, मुर्शद करके बंदा है भाई। मैं अगर यूट्यूब चैनल नाम था नियाजी एंटरटेनमेंट भाई, बहुत खतरनाक बंदा है। स्टोरी उन्होंने डाली थी, जिस धूप में जादू की पड़ जाए उस धूप में जैकेट पहन के बंदा वीडियो शूट कर रहा है बादशाह। तेरा जुनू है तू आफत, तू ही सुकून है, परवाने भी देते गवाही, झूले तू तो होती तबाही।
पांडा, ये आई थिंक ये वो है, लोगो टाइप है रेट्रो पांडा का। सर बात कर रहे थे, बात कर लेते गाने के बारे में। डेफिनेटली यार देखो, बादशाह वाटर जो तुम कॉमर्शियल ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, लाइक नहीं ऐसा नहीं है कि वो अंडरग्राउंड वाले गाने नहीं देते हैं। बहुत सारे बहुत ख़तरनाक गाने अंडरग्राउंड के दे रखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा गानों का, बहुत सारे, और मैं आज भी सुनता हूँ उन गानों को, ठीक है। बट ये जो रेट्रो पांडा एल्बम है, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, इसमें सिर्फ डांस नंबर्स अभी तक आए हैं। लाइक जुगनू जो था वो भी काफ़ी ख़तरनाक डांस नंबर था। ये वाला भी लाइक इसका जो हुक स्टेप था ना, वो मेरे को लग रहा है ये भी ट्रेंड में आने वाला है, वायरल होने वाला है, ये भी मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है। बट यार गाने के बारे में बात करें ना, तो ठीक है ग्रूवी गाना, डांस करने लायक गाना, तबाही गाना, जिनको ये क्लब्स और ये वो गाना ना जो 100 मिलियंस पार करने की क्षमता रखता है, ये ऐसे गानों में आता है। बट दिस इज नॉट आई, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। लिटरली मैं बताऊँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाइब्स आएगी या थोड़ा सा हार्ड कोर जाने का ट्राई करेंगे, बट ठीक है यार मेरी एक्सपेक्टेशंस टूट चुकी है। बट गाना यार ये भी काफ़ी तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके क्या विचार है यार, आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा आपको कौन सा बादशाह पसंद है यार, ये चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमर्शियल बादशाह या फिर अंडरग्राउंड बादशाह, क्योंकि वो जब अंडरग्राउंड यार ख़त्म सीन है, ठीक है। तो आपको कौन सा पसंद है, बाकी इस गाने के बारे में आपके क्या विचार है यार, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी रिएक्शन वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं जो अंडरग्राउंड की हैं, जिनमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। सो या और वीडियो तो आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट माई फ्रेंड्स।